हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मेटने वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। गाइज, आज हम बातें करेंगे मुंबई सागा जॉन इब्राहिम, जो कि कल रिलीज हुई थी 19 मार्च। फर्स्ट डे कलेक्शन कितना आया है उस पर आज हम बातें करेंगे दोस्तों। बोले तो अपना मुंबई सागा का फर्स्ट डे कलेक्शन आ गया है और फर्स्ट डे कलेक्शन है इसका 2,82,00,000 रुपया दोस्तों। बोले तो रूही से भी कम। रूही रिलीज हुआ था दोस्तों, बोले तो हॉलीडे का दिन, छुट्टी का दिन था, जिसने कम से कम 3.5 का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन यहाँ पे बोले तो मास मूवी मुंबई सागा का कलेक्शन को देखते हुए रूही का कलेक्शन में बहुत अंतर है। बोले तो रूही ने 2 करोड़ के आसपास, कम से कम तो 5-6 दिन बाद भी 2 करोड़ कमाया था। लेकिन दोस्तों वजह क्या है, लोगों का कहना है, वजह यह है कि 50% ऑक्युपेंसी पूरी इंडिया में हो चुका है और सेकेंड नाइट कर्फ्यू कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में जो कि नाइट कर्फ्यू, उसकी वजह बना है जो कि 2,82,00,000 रुपया इसकी बोले तो फर्स्ट डे कलेक्शन आया दोस्तों। जॉन इब्राहिम इमरान हाशमी का जो मूवी के अंदर परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ मूवी मेरे को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत अच्छी थी और ये मूवी को लोगों ने पसंद किया था। लेकिन दोस्तों जो हिसाब से कलेक्शन आया है, कहीं ना कहीं बोले तो 100 में से 40% लोग इस मूवी को ना पसंद किए हैं और 60% लोगों को मूवी अच्छी लगी है। तो गाइज, बोले तो जब किसी भी फिल्म की थोड़ी सी भी नेगेटिविटी बोले तो रिस्पॉन्स आती है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस नाराज़ हो जाती है और थिएटर तक जाने में वो कतराते हैं। तो गाइज, बोले तो कलेक्शन ठीक है, बाकी देखते हैं आगे आज का कल का कितना आता है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।